दुख, अशांति भरे इस युग में आत्मध्यान ही एक समाधान है। समाधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब ने ध्यान साधना से विश्व को सुख शांति का रास्ता दिखाया है। इस चतुर्मास में हम विशेष ध्यान शिविरों के माध्यम से, विशेष प्रवचनों के माध्यम से, महावीर की भेद विज्ञान की साधना से माध्यम से हम आपको जो हमें मिला है प्रभु की कृपा से मिला है, हम जरूर आपको बांट देना चाहेंगे। आइए हम निमंत्रण देते हैं, खुला निमंत्रण देते हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें श्री शिवाचार्य समव शरण प्रज्ञा शिखर महाप्रज्ञ विहार भुवाणा उदयपुर। एक सूत्र की चर्चा चली है, कुछ दिनों से चली है, ज्ञान क्या है, ज्ञान की कसौटी दे रहे हैं महावीर। आज फिर उसी सूत्र की चर्चा करेंगे। जैन तच्चं विमुज्जेन जैन चित्तं निरुज्जने जैन अत्ताविसुज्जेन तं नारंजिन सासने। ज्ञान, पूरे विश्व में ज्ञान की क्लासेस चल रही हैं, स्कूल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही हैं, नोबल प्राइज मिल रहे हैं, खोज चल रही है। उस ज्ञान के आधार पर मनुष्य चंद्रलोक से आगे और बढ़ गया है, समुद्र की गहराई तक भी चला गया है। बहुत खोजा है मनुष्य ने, पर ये सारी खोज बाहर की है, विज्ञान की खोज बाहर की है। खोज दोनों ही करते हैं, धर्म की खोज भीतर की है। विज्ञान ने इस भौतिक पदार्थ को, मैटर को, पुद्गल को, एक एक पुद्गल को छान मारा, टुकड़े टुकड़े, एक एटम बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम, मैग्नम बम बना दिए, इतनी शक्ति का विस्फोट कर दिया, वो प्राणी के संहार के लिए सिद्ध हुई। ऐसा क्यों हुआ? कि उनकी खोज ही गलत है, उसकी खोज बाहर की है। आज तक जिसने बाहर खोज की है उसको सत्य नहीं मिला, सुख नहीं मिला, शक्ति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, विध्वंस ही हुआ है। देखने में आपको धन मिल गया, पद मिल गया, सुंदर बंगला मिल गया, कोठी मिल गई, बहुत बढ़िया गाड़ी मिल गई, और अमोद प्रमोद के साधन मिल गए। अभी जाओ फ्लाइट में बैठो, दो घंटे में अमेरिका, यहाँ से चलो लंदन, लंदन से अमेरिका, अमेरिका से रशिया, रशिया से सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा लो। पर दुनिया का चक्कर लगाने से क्या होगा? तुम दुनिया के चक्कर लगाया, और ऐसे भी लोग हैं जिनको नोबल प्राइज मिला, नोबल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, उस ज्ञान का लाभ किया जिनसे आत्महत्या हो। ज्ञान वो है जो आपको परमात्मा की ओर, आनंद की ओर ले, शांति की ओर ले, ज्ञान की ओर। महावीर के ज्ञान में आर्त रौद्र ध्यान ही नहीं, धर्म ध्यान की उपेक्षा कर दो और शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लो। तत्व का बोध हर व्यक्ति के भीतर तत्व है, तत्व यानी चेतना, तत्व यानी आत्मा, तत्व यानी शुद्ध उपयोग, तत्व यानी 24 घंटे तुम्हारे पास,
पर हमें फुर्सत ही नहीं देखने की, हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर सुख मिला ही नहीं, तुम देख लो जीवन भर आप अपने स्वयं के जीवन को देखो, आपका जीवन किसका 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, 50 का हो गया, क्या पाया? तत्व आपके जीवन का लक्ष्य तय करता है। सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य करो कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, करना क्या है, किस लिए करना है, उसके बाद कार्य करो। तो जीवन का लक्ष्य तय किया ही नहीं, पता ही नहीं मुझे करना क्या है। जो बाप दादा कर रहे हैं वो बेटे कर रहे हैं, बेटे कर रहे हैं बेटे के बेटे कर रहे हैं। बाप दादा ने मकान बना लिया, बेटे ने बना लिया, पिता ने बना लिया, बिजनेस कर लिया, बस एक माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो करके एक बहुत अच्छा क्या बने, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ले, विदेशों में चला जाए, नाम प्राप्त कर ले और फिर आकर के मेरी सेवा करे। एक माता पिता का ये लक्ष्य होता है। और कोई बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, वो विदेशों में चले जाते हैं और माता पिता यहाँ रहते हैं और कब बुलाते हैं। कल मुझे बात चल रही थी, विदेशों में लोग आते हैं कि महाराज कब बुलाते हैं, जब उनका कोई बेटा हो जाता है, जन्म लेता है, तब माता पिता को बुलाते हैं आकर के सेवा करो। उनको ज़रूरत है अब माता पिता की, वैसे नहीं बुलाते। उनके बेटे का जन्म हुआ और अपने माता पिता को बुलाते हैं, तुम आओ अब तुम्हारी ज़रूरत है, और माता पिता वो महीने दो महीने का कष्ट पूरा कर देते फिर वापस आ जाते। इज दिस लाइफ? जिस बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया, विदेशों में भेजा, नौकरी लगाई, सारा जीवन माँ ने तपस्या करके अपनी जवानी गला दी और सुख चाहती है बेटे से, मिल ही नहीं सकता, दिशा ही गलत है। कल शिविर पूरा हुआ, भगवान की वाणी आई, आंखें खुल गई कि कौन सा माता पिता तुम्हारे, इस जन्म के माता पिता हो, पहले जन्म के माता पिता कहाँ हैं, कुछ याद है? उसके पहले माता पिता भी थे, उसके पहले भी तुमने जीवन जिया था, कुछ सोच है, कुछ विचार है, वो कहाँ गए? आत्मा वही है, देह बदलती है, माता पिता बदलते हैं, बहन भाई बदलते हैं, परिवार बदलता है, संबंध बदलते हैं, कुटुंब बदलते हैं, पर तुम नहीं बदलते। तुम यानी आत्मा। इसलिए अपने को जानो और अपने को देखो, क्यों मिथ्यात्व में पड़े हो? जो तुम सुख चाहते हो सुख है ही नहीं, सुख तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे, खोज करो। ये बीच का जो समय है ये तुम ले लो, इस देह से सार निकाल लो। ये देह बहुत उपयोगी है, यदि इस तत्व को जान लिया देह ने तो बहुत लाभ हो। तत्व यानी आत्मा, चेतना, शुद्ध चेतना। और मैं कितना ही बोल दूं, युवाचार्य जी कितना ही बोल दें, तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। बोलने से, लिखने से, शास्त्र पढ़ने से लाभ नहीं होता, अनलेस अंटिल यू मस्ट डू योर सेल्फ। जब तुम उसका स्वाद नहीं चखोगे, बैठोगे नहीं चार दिन, तो तत्व का बोध नहीं होगा। उनको ही तत्व का बोध हुआ है जिन्होंने चार दिन का शिविर किया है। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। मन, वचन, काया, बुद्धि को अलग कर दो, आत्मा को अलग कर दो। और सारे शास्त्र भी यही कहते हैं। देखो भगवान की वाणी क्या कहती है, जो अपानंग जाना दी ऐसुई श्री राहु तच्चदो भिन्नम जानकंग रूपंग सरूपंग सो सत्यम जानदम सवम। जो आत्मा को, आत्मा यानी तत्व चेतना, जो आत्मा को इस अपवित्र शरीर से, ये शरीर अपवित्र है, हार्ट मांस मज्जा रक्त पीव नौ द्वारों से गंदगी बह रही है,
इस अपवित्र शरीर से तत्वता भिन्न, दोनों भिन्न, इस भगवान की वाणी तत्वा भिन्न प्रज्ञायक स्वरूप जानता है। आत्मा का स्वभाव दृष्टा, जानना और देखना, जानता है, वही समस्त शास्त्रों को जानता है। ये महावीर की वाणी। तो कैसे जानोगे, कैसे वेद विज्ञान करोगे, एक बहुत गहन चर्चा है। तुम्हारा पूरा जीवन भी लग जाए तो कम है, और मानव जीवन लेकर के ये साधना नहीं ली तो समझो कुछ नहीं लिया। इस चतुर्मास में श्री संघ ने, सभी ने बहुत सेवा का लाभ लिया। मैं देखता हूँ सब अपनी अपनी ड्यूटी में जुटे हुए हैं। जिन्होंने सेवा कर ली, अपनी सेवा नहीं की, यानी तत्व की सेवा नहीं की, उन्होंने नहीं किया कुछ। तत्व का बोध, दूसरा जैन चित्तंग रुज्यते, जिससे आपका चित्त, चित्त यानी मन, मन निग्रह होता है, निरोध होता है, मन काबू नहीं आता, मन भागता ही रहता है, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, और सारे झगड़े मन के हैं, बुद्धि के हैं। पूरा विश्व देख लो, राजनीति में देख लो, यूनिवर्सिटियों में देख लो, परिवार में देख लो, संघ में देख लो, सारे झगड़े मन और बुद्धि के हैं। मैंने ऐसे कहा था, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे किया। तत्व को जानना है तो चित्त का निरोध कर दो। चित्त क्या है? जो आपको बाहर ले जाता है, जो एक तरंग पैदा करता है भीतर से। तुम बाजार से गुजरी, आपके मित्र ने एक नई गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, चित्त ने एक लहर पैदा कर दी, ऐसी गाड़ी मेरी होनी चाहिए। तुम बाजार में जा रहे हैं, किसी ने बहुत बढ़िया सोने का सेट खरीदा, तुम्हारे मन में आए ऐसा सेट मेरे पास भी होना चाहिए, चित्त ने एक लहर पैदा कर दी। तुम रेस्टोरेंट में बैठे भोजन करने के लिए, भोजन बहुत कोई खा रहा है, स्वादिष्ट हो, चित्त ने लहर पैदा कर दी, ऐसा भोजन तो मुझे चाहिए। किसी ने सुंदर कपड़े पहनिए, कपड़े को पहन को देख करके तुम्हारे चित्त ने एक भाव पैदा कर दिया कि ऐसे कपड़े तो मेरे पैसे होना, तुम्हें कपड़े की ज़रूरत नहीं है। पुराने ज़माने में दो तीन ड्रेस हुआ करते थे, मेरे दादाजी धोती और एक कमीज और ऊपर अंगोछा एक साफा रखते थे, दो कपड़े बड़े सीधे साधे थे। नहाते समय वो साबुन का प्रयोग भी, दही का प्रयोग करते थे, छाछ का प्रयोग करते, इतना सिंपल जीवन था। और कमांड थी उनकी घर में, पूरे परिवार के ऊपर कमांड, कुछ कहते नहीं थे, उनके हुक्म के बिना कुछ होता ही नहीं था। ये एक आचरण की बात है। आज फैशन के आधार पर देखो कितने कपड़े तुम्हारी अलमारी में, फैशन रोज बदल रहा है, उनको तो नए नए डिज़ाइन चाहिए, कभी मोरी तंग, कभी खुली, कभी और खुली, कभी बंद, कभी टेढ़ी, कभी चढ़ी, वैसे कपड़े बनाई जा रहे हो, पेंट पर टाकियाँ लगाई जा रही है, फैशन है आजकल, गरीब दिखाते हैं अपने आप को, क्योंकि शाहरुख खान ने कपड़े ऐसे पहने हैं, आमिर खान ने कपड़े ऐसे पहने हैं, कैटरीना कैफ ने ऐसे कपड़े पहने हैं, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे? क्या स्टाइल है, कपड़े लगा करके, टाकियाँ पहन करके, फैशन बनकर। मेरे पास तो आते हैं, मैं डाल देता हूँ, क्यों गरीब बनते हो टाकियां लगा के? अच्छे कपड़े तुम्हारे पास नहीं है? जब हमारा जमाना था, हम कोई फटा कपड़ा होता तो शर्माते थे, फटा कपड़ा कैसे पहने, आज शाम से पहनते, फैशन, ये फैशन हो गया। कपड़े को बनाओ, उसको फाड़ो, उसको टाकी लगाओ, उसको लगाओ और फिर पहनो, क्योंकि शाहरुख खान पहनते हैं ना, कैटरीन कैफ़ पहनती है ना, मैं सब जानता हूँ तुम्हारी हरकतों को, तुम क्या करते हो। इस बातों में कुछ नहीं रखा, इस सार की बातें नहीं, किसी की नकल मत करो, नकलची बन जाओगे। नकल करनी है तो उनकी करो, जो सिद्धालय चले गए, जो सिद्ध बुद्ध हो गए,
जो केवली हो गए, जिन्होंने अपना निशाना बना लिया इस जीवन का, तुम उनकी नकल करो। कल मुनि जी शास्त्र सुनाएंगे, 99 आत्माओं ने कैसे कल्याण किया, उनकी नकल करो, उन जैसा तप करो, उन जैसा वेद ज्ञान करो। करना है तो तुम्हारे अनंत कर्म निर्जित हो जाएंगे। जितनी तुम नकल कर रहे हो, कपड़े की और गाड़ी की, बंगले की, घर की, तुम्हारा बढ़िया घर बना हुआ है, ज़्यादा पैसा ना, वो तोड़ देते हैं, घर को तोड़ देते हैं, अच्छा बढ़िया घर, हमें हैरान आती, हम पूछते हैं भाई घर तो बहुत बढ़िया था, कहते नहीं आउट ऑफ फैशन हो गया, नया घर बनाते हैं ना, फैशन वाला घर बनाते हैं, बढ़िया घर, बढ़िया कमरे बने हुए हैं, सारा तोड़ देंगे, नया घर बनाएंगे। रहना कितने, हम दो, हमारे दो, बस चार कमरे की जरूरत है। पर कितनी हिंसा की, छह काया जीवों का रम श्रम किया, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, कहाँ भुगतान करोगे? कितना सताया अपने सुख के लिए, वनस्पति काया का छेदन भेदन किया, स्वादिष्ट भोजन किया, ये कपड़ा ऐसे नहीं बनता, बहुत दोष लगता है, ये भोजन ऐसे नहीं बनता, छह काया करम श्रम होता है, तो बचो उससे। मेरे कहने का मतलब, तो चित्त एक नया पैदा कर देता है, तरंग पैदा करता है, हम तरंग में बह जाते हैं, उस तरंग में मत बहो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कपड़ा पहनो, तुम्हें जो भाए वो पहनो। देखो हमारे पास एक ही ड्रेस है, सब संतों के पास देखो है ना, महावीर का ड्रेस, कितना प्यारा ड्रेस, आँच नहीं आ सकती इस एड्रेस पर, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, ये ड्रेस बचाता है। ऐसे ड्रेस पहनो, ऐसे ड्रेस पहन करके मैं भाइयों को कहूँगा, कल समय करो, वहाँ पर पर्युषण आ रहे हैं, पचरंगी करो, पौषध करो, ठाइयाँ तप करो, ये महापर पुरुष जितना तुम तप कर सकते हो तप करो, भेद ज्ञान से करो, कैसे करना वो हम बताएंगे। बहनों को कहेंगे पचरंगी समय की करो, सुबह 8:30 से लेकर के 11 बजे तक प्रवचन होगा, तुम्हारी 4 समय तो आ जाएगी, 5-5 समय करो, भोजन छोड़ दो, 11-12 बजे के बाद एक टाइम भोजन कर लो, बहुत है, क्या करना है भोजन। जिन्होंने मांस खमन किया, देखो आज मांस खमन का पारना उपवास है, आज कैसे मांस खमन कर लें, तिल तिल आपने अपने को गलाते हैं, बहुत कठिन है तपस्या करना, शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास भी ये तप होता ही नहीं, अनंत कर्मों की निजरा होती है। तो वहाँ पर पर्युषण के दिन सभी सचेत हो जाएं, जितने मंडल बने हैं अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लें, अपना कर्तव्य समझें, किसी पर कोई एहसान नहीं है, जितना तुम करोगे तुम्हें लाभ होगा। मंगल पाठ सुनेंगे, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमंग संति जस धम्म श्यामनु, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानातो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।